नमस्कार जी, निखिल नैयर मेन मार्केट तो जी। अज मैं थोड़े तो अगे सारे अगे बेसिकली जी 3 महीने का रौला चलता आ रहा, लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई मेन मार्केट के माहौल खराब हो गया, कईयां ने कहा तो कई कुछ इतने कर कहते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, कंप्लेंटा करते आ रहे हैं। अज मैं थोड़ा तो बेसिकली उस चीज़ का जो कारण है जी जड़ है वो मैं थोड़ा तो वो दसन जा रहा, जिस गल अज तक ना कोई उजागर कर रहा, ना असी उस गल असी भी नहीं चाहते सी भी उस ढंग उजागर करिए। पर अज इन्होंने मेरा नाम जी रात अंकुर छाबड़ा के नाल गुट कटापा होया इन्होंने मेरा नाम लैके इस गल उजागर करने लिए मजबूर कर दिता मैनू। अज मैं तुम दस रहा भी इस गल का मेन पिछे कारण की है। इस गल का कारण है जी कि बेसिकली इन्हों के उत्ते जातिवाद का एक एक्ट लग रहा है जिहड़ा कि यह मुंडा साढ़े कोल है, यदि वाइफ वालों एप्लीकेशन गई सी कि कोई बदतमीजी की मतलब जातिवाद बारे बोलिया गया सीगा, तो सब कुछ किया गया सी, उन्हूं गड्डी डक्कन की भी कोशिश की गई सी, बावजूद इन्होंने इज्जत नूं रखदिया होया सब कुछ रखदिया होया हर बारी यही गल रखते हुए इस गल नूं दब लिया जाता। लेकिन एक जिहड़ी मेन इन्होंने गल ये करनी शुरू कर दी भी हर गल दे विच ही सानूं घसीटना शुरू कर दिता, उस गल दे कारण अज ये गल नूं मैं प्रेस दे अगे रखन जा रहा। आ देखो जी, आ असीं इन्हां वल्लों लैटरां पाईआं, इन्हां ने लैटरां पाईआं इन्हां दी वाइफ ने अपने वल्लों। ये लोग तो इन्होंने तो जनवरी च भी साडे उत्ते धक्का करता, 2 मिंट च इन्होंने जाके परचा करा दिता। जिहड़ी जिहड़ा एससी एक्ट ना उत्ते लग सकदा सीगा उस गल नूं घबरांदे होए इन्होंने साडे उत्ते पहलां 12 जनवरी नूं परचा कराया, जिहदे विच मेरा नाम पाता गया कि मैं इन्हां दा बैक ना कर सकां। ठीक है जी, इहदा नाम पाया गया जी मुंडे दा, इक इहदा छोटा ब्रदर जिहड़ा कि किसे गल च नहीं सी, कोई कुछ नहीं सीगा, उहनूं इत्थों शोरूम तों मेरे तों चकाया गया। नाल आए आम आदमी पार्टी दे बंदे, ठीक है जी, ते नाल होर अदर गल्लां कई सीगियां जिहदे विच इन्होंने प्रेशर पवा के उपरों, ते इत्थों बाय हैंड नाल आए पुलिस नूं लै के ते इत्थों उस मुंडे नूं चुक के लै गए जी, जिहदा कोई रोल नहीं सीगा गल दे विच, कोई कुछ नहीं, उह सिर्फ गल नूं रोक रिहा सी। प्रॉब्लम की सीगी जी कि उह जिहड़ी लैटर सी उह असीं आ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नूं दित्ती, दैन असीं एससी कमिशन दिल्ली नूं पाई लैटर, ठीक है जी, उस तो बाद असीं अमित शाह जी नूं लैटर पाई होम अफेयर दे विच, उस तो बाद असीं चीफ मिनिस्टर मानयोग भगवंत मान जी नूं पाई, उस तो बाद असीं डीजीपी पुलिस नूं पाई चंडीगढ़, डीजीपी पंजाब नूं, उस तो बाद असीं इन्होंने पाई जी नैशनल कमिशन ऑफ वूमेन इन्हां नूं पाई, उस तो बाद मानयोग SHO साहब नूं उन्हां नूं पाई, उस तो बाद जिहड़ी साडी पुरानी कंप्लेंट सी इन्हां दी वो मार्क हो गई जी DSP साहब नूं। ठीक है जी, जिहड़ियां इह कंप्लेंटां पाईआं सीगियां इन्हां चों कुछ मार्किंग हुई DSP साहब नूं, DSP साहब ने अगे मार्क करती जी पंजाब पुलिस आ जिहड़ी अपना नंगल थाने नूं मार्क करती। ठीक है जी, तेई दे खाते विच पा के ठंडे बस्ते पाती गई। फिर असी SHO साहब को गए, SHO साहब कहिंदे जी कि भी कोई नहीं, असी लभदे हां, असी करदे हां, उहदे उत्ते कारवाई कराने हां। असी क्या पता नहीं किहड़ा दबाव है इत्थे या किहड़ा नहीं है, इहनां दी तां पुलिस 5 मिंट च सुन लैंदी है, साडी पुलिस सुनदी नहीं। सो साडी प्रशासन नूं इक बेनती है ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈਟਰ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੂ ASI ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ
या जो हाजर प्रशासन है वो इन्हों की किस तरह के नाल इन्हों पूर रहा वो मैनू नहीं पता, लेकिन अगर वो पूरिया जा रहा तो शरेआम गलत है। बरादरी बारे बोलिया जा रहा, एक परचा मंगते पे जी उन्होंने को भी इन्हों उत्ते परचा किया जाए, वो परचा तो बहुत दूर की गल है जी, किसी ने उन्होंने बयान तक नहीं ले है। सानू फोन कर रहे ये ये कह रहे ना कि भी ये सानू धमकी दे रहे हैं भी असी लोग इन्हों धमकियां दे रहे हैं। आ सानू फोन आ रहे हैं कि भी इस गल के उत्ते साडे नाल कॉम्प्रोमाइज कर लो। किस गल का कॉम्प्रोमाइज कर लिए जी? असी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, जिस करके पता नहीं आप ही अपने आप को सट्टा लवा के साडा नाम ले जाते पे। इस तरीके नाल तो कल कोई भी गल होएगी जी, इन्हों उत्ते कोई भी मैटर उठ गया मार्केट के चक के नाम लगा दो निखिल नैयर ने कराया होएगा जी। इस तरीके नाल अगर प्रशासन चलेगा तो अगर एको ही पक्ष देख के चली जाएगा तो उस नाल कोई सिट्टा नहीं जी निकलना। प्रशासन अगे मेरी भी बेनती है कि भी आ जड़ियाँ इनिया ढेर है लैटर का, काइंडली इन्हों के उत्ते कोई गौर किया जाए। आ एक एक लैटर की तुम फोटो कॉपी लै सकते मेरे को, आ एक एक लैटर मार्क होकर रजिस्टर्ड लैटर के रजिस्टर्ड कॉपियां हर एक डिपार्टमेंट के पहुंचिया हुई हैं, किसी के उत्ते कोई कार्रवाई नहीं है जी। एस एस पी साहब को आपां मानयोग एस एस पी साहब को भी जाके आए हैं, 15 मार्च में आपां रोपड़ जाके आए हैं। ये वाइफ तो मदर सीगे, परिवार मैंबर भी सीगे, नाल परिवारिक बंदे भी नाल जाके आए हैं। सब जने अप्रोच करके आए हैं कि भी किसी भी तरीके इनू किसी तरीके इस गल नू चुकिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी। कौन ये बैक ते कौन है कौन नहीं है और प्रशासन इन्नी ढिल क्यों वरत रहा इस गल दे उत्ते, वो मैनू हले तक नहीं समझ आई जी। हुण फिर जे इस गल दे विच आके ते ये फिर मेरे उत्ते ही परचा करवा देन या कुछ कर देन तो फिर अगे तो यह तो फिर सिंपल जी गल है जी कि अंदर जाई जाओ जब तक मतलब प्रशासन के उत्ते इन्हों का जोर है। यदा मतलब ये वक्रा ही पता नहीं की करते पे जी, प्रशासन के उत्ते दबाव है कि दबाव है आखिरकार प्रशासन के उत्ते जो इस लैवल तक गए हुए। लीज होल्ड दी दुकाना खरीदते पे 2-2 करोड़ रुपया दे के, 50 लाख रुपए की इन्होंने वो खरीदी, दैन होर अदर दुकाना इन्होंने खरीदियाँ, वो कितों आ रही है इन्नी ब्लैक मनी किदे कोल हैगी है? असी तो इनकम टैक्स में भी लैटर पाई जी, और इस मुंडे ने लैटर पाई हुई शायद उस करके ये रिवर्ट लिता गया, वो रिवर्ट लिता गया कि मैं इन्हों में गलते पव मैं इन्हों की पूरा तो मैनू भी टंग लो ना ही। ये तो यह तरीका आ गया जी भी बस एको ही पासा देखा जाऊगा, दूजा पासा किसी लिंक च है नहीं। मेरी हाथ जोड़ के प्रशासन अगे एक ही बेनती है कि आ सारिया लैटर के उत्ते भी कैंडली गौर करो तो ये उत्ते कोई ना कोई कार्रवाई करो। मैं नीर कमल की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेती, उस 31 मार्च करके उन्होंने मैनू माल 31 मार्च तो पहले मैनू बिलिंग करके इतने माल भेजा, वो माल न एडजस्ट करन दे विच और माल न फिटिंग करवाण दे विच असी 2 दिन तो बिजी सीगे जी। मेरे सारे मुंडे नाल लगे हुए है, ये कहिंदे जी मैं मुंडे भेजते फलाना करता, किहड़े मुंडे भेजते आ जाए तो आ जाए जी, फिर मैं दसांगा कि मैनू किहने आइडेंटीफाई किया। उन्होंने आइडेंटीफाई कर लिया, वो तो इन्होंने आइडेंटीफाई किया जी। ये हुण वो अंकुर दी मैं वो सुनी है कि आई सी बाइट आई वो कि अंकुर ने बोलिया कि भी पिछली लड़ाई के भी एक बंदा सीगा जी, क्या उन्हें किसी गल का नहीं पता? उन्होंने बस यही पता भी हाँ भी इन्हों लिंक जी कोई ना कोई बंदे उही तुरी जा रहे वालों, जो आइडेंटीफाई किया तो उन्होंने ले आओ अगे, वो आपे बोलेगा जी, उन्होंने फड़ लो वो आपे बोलेगा, जो मेरा नाम लेंदा ले जाओ मैं कोई गल नहीं मैं तैयार हाँ जी। चलो जी मेरा रिकॉर्ड अज तक का मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है लड़ाई झगड़े का, एक भी केस नंगल थाने के मेरे उत्ते नहीं है। मेरे उत्ते छड्डो जी, साढ़े परिवार के उत्ते 70 साल के पहला परचा कराया जी, वह भी इन्होंने कराया, ठीक है जी। साढ़े उत्ते तो आप रिग्रैट है कि असी तो खुद पोलीटल फैमिली में बिलोंग करते हैं, पोलीटल फैमिली होने के कारण ही वो एंटी चलिया हुआ सारा कुछ, होर कोई रीज़न नहीं है मेरे ख्याल से, मैं समझ आता। बाकी अदरवाइज जो भी होएगा वो देखी जाएगी जी, कोई गल नहीं। जो धक्का आता पुलिस नहीं सुनती फिर की करोगे? फिर असी कुछ जी, फिर असी हाईकोर्ट का दरवाजा खड़कावे जे हूँ भी अज 24 घंटे जे ये उत्ते कोई ना कोई कार्रवाई की जाती है तो ठीक है, नहीं है तो धरना इन्होंने तो की दिता जी, धरना मैं भी दवाऊंगा
ठीक है जी, धरना असी भी देवे तो असी हाई कोर्ट नूं अपील भी कहे कि जो प्रशासन नूं तार लगावे, फिर असी मजबूर हाँ प्रशासन नूं हाई कोर्ट लैके जाने।